आईपीएल में आज एक काफी रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने आठ विकेट से रौंद दिया गुजरात टाइटंस को रोमांचक इसलिए क्योंकि इस रिजल्ट के बाद काफी सारे टीमों के लिए उम्मीद की किरण फिर से जाग उठी है वेलकम टू टाइम आउट हिंदी मैं हूं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स के लेग स्पिनर और आईपीएल के पर्पल कैप विजेता रह चुके इमरान ताहिर इमरान सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल आखिर में जो ऑन स्लॉट दिखाई लियम लिविंगस्टन ने दस गेंदों में तीस रन नाबाद तीन छक्के दो चौके इस तरह की बल्लेबाजी अगर पंजाब किंग्स करने लगे निरंतरता के साथ तो ये टीम अभी भी काफी डेंजरस बन सकती है काफी टीमों के लिए जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिलेगा तो मैं समझता हूँ लिविंगस्टन जो नीचे से आके अपनी नेचुरल गेम खेल सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो आज उन्होंने किया है लेकिन वो बड़े शानदार प्लेयर हैं और ऐसी सिचुएशंस में में या किसी भी सिचुएशन वो घबराते हैं नहीं है वो अपनी नेचुरल गेम ही खेलते हैं लेकिन मेरे कहने का ये मकसद है कि उनको ज्यादा इस चीज की इजाजत मिल जाएगी अगर उनको सॉलिड स्टार्ट ऊपर से नजर आएगा ताकि वो जाके और इसी तरह दो तीन के स्ट्राइक रेट से मारेंगे जी हाँ स्टार्ट की भी बात करेंगे लेकिन मैच के स्टार्ट के तरफ चलते हैं जहां पे गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और पहली बार इस आईपीएल में किसी नाइट मुकाबले में कप्तान ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो हार्दिक पांड्या की ये काफी एक एडवेंचरस या कह सकते हैं एक साहसी डिसीजन था लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी नपीतुली गेंदबाजी पंजाब की इमरान खासकर कगीसो रबाडा ने फिर से दिखाया कि क्यों वो इस टीम के स्पेयर हेड है चार विकेट उन्होंने चटकाए और साथ साथ काफी अच्छा सपोर्ट भी मिला हर्षदीप सिंह ने भी कुछ विकेट्स लिए और ओवरऑल सभी गेंदबाजों ने बहुत प्रभावित किया जी बिल्कुल ये बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है रबादा की तरफ से और अर्शदीप लेकिन ये हमने पहले मेंशन किया था कि रबादा जो है अगर वो विकेट नहीं ले रहे हैं लेकिन वो इसी की वजह से जाने पहचाने जाते हैं क्योंकि दो साल से तीन साल से उन्होंने परफॉर्म किया लगातार आई में और वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं तो वो किसी भी वक्त क्लिक करेंगे तो टीम को मैच जितवाएंगे और जो आज उन्होंने साबित किया है कहा तक ये परफॉर्मेंस जो था कि गुजरात टाइटंस सिर्फ एक सौ तैतालीस एक सौ चौवालीस के पास ही पहुंच पाई तो ये कहाँ तक पिच की वजह से थी क्योंकि हमने बाद में भी देखा जब पंजाब बल्लेबाजी करने आए थे तो बल्लेबाजी करना बहुत आसान नहीं था खासकर अगर तेज गेंदबाज टेस्ट मैच लेंथ करने लगे तो गेंद काफी मूवमेंट भी दे रही थी जी बिल्कुल ये आता आहिस्ता पिचेस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रही है पहले बाउंस अच्छा था थोड़ा सा ऊपर से स्विंग मिल रहा था अब पिचिस थोड़ा स्लो हो रही है तो मेरा ख्याल है उसमें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम मिलेगा लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ब्रेव डिसीजन था अः हार्दिक पांड्या का कि वो उन्होंने पहले बैटिंग किया लेकिन मैं शायद ये भी समझता हूँ क्योंकि वो क्वालिफायर के बहुत पास हैं तो वो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर हमारी कभी क्वालिफायर के मैचेज में पहले बारी आ गई तो हम उसके लिए रेडी रहें तो मैं समझता हूँ कि शायद ये उसके लिए उन्होंने कोशिश की है क्योंकि ये टीम ऐसी पोजिशन में है कि चांस दे सकती है जहाँ एक बड़ा पॉजिटिव था गुजरात टाइटन्स के लिए हालांकि उनके जो बड़े बल्लेबाज है वो आज नहीं चले लेकिन जिस तरीके से साई सुदर्शन ने बल्लेबाजी की पैंसठ रन बनाए नाबाद काफी सारा वक्त लगाया लेकिन फिर से हमने देखा इमरान की या गुजरात जब विपरीत परिस्थिति में थी तब एक युवा खिलाड़ी ने 20 साल के खिलाड़ी ने अपना हाथ ऊपर किया और कहा कि मैं हूं मैदान जंग में यही आईपीएल की ब्यूटी है या किसी भी लीग की ब्यूटी होती है कि इतनी बड़ी लीग में एक यंगस्टर आके इस तरह परफॉर्म करे और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा आ, स्टेप अप है यंगस्टर्स के लिए और स्पेशली इस यंगस्टर के लिए जिसने आज ये किया है तो मैं ये समझता हूँ कि आ, 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 उनकी टीम भी इसके मामले में उनको बड़ा अप्रिशिएट करेगी क्योंकि इतने बड़े नामों के दरमियान एक यंग लड़का आके परफॉर्म करे तो मैं समझता हूँ कि ये फ्यूचर की फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है इंडियन क्रिकेट के लिए चलिए पंजाब की बल्लेबाजी की बात करते हैं क्योंकि आज उन्होंने एक बदलाव किया मयंक अग्रवाल जिनकी बात हम कर रहे थे कि शायद ओपनिंग स्लॉट चाहे तो जॉनी बेस्टो को दे सकते हैं लेकिन जॉनी बेस्टो फिर से बहुत किफायत में आउट हो गए इसके बाद ऐसा लग रहा था कि टीम के ऊपर विपरीत परिस्थितियां कठिनाई आ सकती है गेंद स्विंग हो रही थी तेज गेंदबाज अच्छी उछाल निकाल रहे थे लेकिन वहां पे शिखर धवन और भनुका राजपक्षा दोनों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की आक्रामकता का बहुत अच्छा उपयोग किया जी बिल्कुल देखें ये अच्छा डिसीजन था क्योंकि शेखर धवन और बेस्टो दोनों से बॉलर को यही समझ नहीं आ रही होगी कि किसको बॉल डालना है क्योंकि बैट्समैन जो हैं दोनों बड़े अच्छे बैट्समैन हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और जो भी बॉलर उनको स्पेशली पावर प्ले में बॉल डालेगा तो वो थोड़ा सा घबरा के बॉल डालेगा लेकिन मैं ये समझता हूं कि बेस्टो का विकेट बहुत बड़ा विकेट था मगर उसके बावजूद शेखर धवन और राजा पक्षा ने जिस तरह टीम को संभाला और लेके चले मैं समझता हूँ कि ये बड़ी वंडरफुल परफॉर्मेंस और बड़े अच्छे साइन की बात है और हमने राजा पक्षा का आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मेरे हिसाब से उनको हर मैच में होना चाहिए पंजाब की इलेवन लाइनअप में क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों सिचुएशन खेल सकते हैं अगर उनको लंबा खेलना पड़ा वो टीम के लिए खेल सकते हैं और जा रहे हैं अंदाज में भी खेल सकते हैं चलिए पॉइंट्स टेबल पे एक नजर डालते हैं क्योंकि इस रिजल्ट के चलते ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस अभी भी पहले स्थान पर बरकरार हैं लेकिन अब चूंकि उन्होंने 16 ओवर में यह मैच खत्म कर लिया है पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को छलांग लगाते हुए पांचवा स्थान हासिल कर लिया तो इमरान द रेस टू द प्ले ऑफ इज वेरी मच ऑन बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब सारी टीमें बरकरार रही है और गुजरात टाइटन्स के हारने से बाकी टीमों को भी थोड़ी सी उम्मीद जगी होगी कि अगर वो आउट ऑफ साइट नहीं चले जाए तो सबके लिए मैथमेटिकल एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी जी देखें ये मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक्साइटिंग टाइम आने वाला है जो अगले एक वीक है क्योंकि इसमें ये सब जो मैचेस हैं हर मैच में कुछ ना कुछ डिसाइड होने वाला है कि उसके पॉइंट्स उधर जाएंगे तो ये टीम बाहर होगी तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है और ये स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है आईपीएल की जो निशानी है तो हम मैं बड़ा लुकिंग फॉरवर्ड इसके लिए ये सारे मैचेस देखने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें बड़े कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे क्योंकि सब टीमों को पता है कि अगले मैचेस उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है चलिए एज ऑलवेज आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान और आज ई एस पी एन क्रिकेट हिंदी में बस इतना ही